जलगांव के 215 लोगों को मतदान सूची से बाहर किया। ग्राम जलखेड़ा की मतदाता सूची में जोड़ दिया ना। एसडीएम बोले कलेक्टर के माध्यम से निर्वाचन आयोग को लिखा है पत्र। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव की पूरी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। मतदाता सूचियां भी अपग्रेड हो चुकी हैं, लेकिन ग्राम जलगोन के करीब 215 लोगों को मतदान सूची से बाहर कर ग्राम जलखेड़ा की मतदाता सूची में उनके नाम जोड़ दिए हैं, जिसको लेकर ग्रामीण 12 जून को एसडीएम व जनपद सहित अधिकारियों को इस मामले से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम वापस नहीं जुड़ पाए, जिसको लेकर आज फिर ग्रामीण जनपद आया और सूची में नाम जोड़ने की मांग रखी। हालांकि इस दौरान सीईओ जनपद राजपुर मौके पर नहीं थे। वहीं एसडीएम ने कलेक्टर के माध्यम से निर्वाचन आयोग को पत्र दिए जाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। उसकी हमको सूचना मिली थी अभी 12 तारीख को, तो हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से निर्वाचन आयोग को लेटर भेजा है। उसमें अगर कुछ कंट्रोल टेबल खुलती है तो उसको जोड़ाने कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे अभी चुनाव है तो इनका क्या होगा कि जलगोन में डालेंगे या जलखेड़ा से? अभी निर्वाचन आयोग से जैसे भी निर्देश मिलेंगे कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के विधानसभा 2 के वार्ड से पार्षद की दावेदारी कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने स्थानीय नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के तमाम दावों को गलत ठहराते हुए इंदौर के विधानसभा 2 के वार्डों में ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो जीतने तक के काबिल नहीं है। और तो और, वो जिन्हें टिकट दिलवाया है ये टिकट बांटने वाले उनके जीतने की गारंटी तक नहीं ले रहे। ये महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला को हराने की सीधे तौर पर साजिश रची जा रही है। उक्त बातें विधानसभा 2 के वार्ड 19, 26, 28, 29, 30 और 31 से दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि वर्षों से सक्रिय दावेदारों को टिकट नहीं देते हुए फ्री हैंड हासिल कर चुके चिंटू चौकसे ने पैसे लेकर और पैसे वालों को टिकट भेज दिया। आदरणीय कमलनाथ जी के जो निर्देश थे कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे, वो सर्वे के आधार पर कोई टिकट नहीं दिए गए हैं। कमलनाथ जी के आदेश को और शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी के आदेश को दो नंबर के नेताओं ने हवा में उड़ा दिया है और पूरी दादागिरी द्वारा वहाँ टिकट बांटे गए हैं और किसी एक पार्षद प्रत्याशी की भी उन्होंने जीतने की जवाबदारी नहीं ली है। जबकि आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था कि जो टिकट दिलाएगा वो जितवाने की भी गारंटी लेगा। अगर दो नंबर के हमारे जो नेतागण हैं वो जीतने की गारंटी लेते हैं किसी प्रत्याशी की, तो बिल्कुल वो टिकट दिलाने के हकदार हैं, पर जब वो जीतने की गारंटी नहीं लेते हैं तो उनको किसी को भी टिकट दिलाने का कोई अधिकार नहीं है। ठेला लगाने की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बीच सड़क पर चले जमकर लात घूसे, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। MIG थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में रहने वाले दो पक्ष देवका राम और शरद ठेले लगाने की बात को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस दौरान दोनों ही पक्षों में लात घूसे चले और बेल्ट में कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि एक पक्ष DIG कार्यालय पहुंचा, जहां वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई थी। पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही की, हर मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया। इस मामले को लेकर एक पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज भी आला अधिकारियों को दिखाए हैं। मामले में साफ नजर आता है कि किस तरह एक पक्ष दूसरे पक्ष पर मारपीट कर रहा था। हालांकि पुलिस ने इस पर एक मामूली मारपीट के रूप में इसे लिया और प्रकरण दर्ज कर बॉन्ड ओवर भरवाने की बात कर रही है। ये घटना जो है 17 तारीख की घटना है, नेहरू नगर के पास की, कुछ ठेला लगाने को लेकर के विवाद था। बहुत ही सामान्य घटना थी, दोनों में मामूली हाथापाई हुई है, जिसमें दोनों को भी चोटें नहीं उठाई है। पेशेंस और सामान पेन बताया गया है डॉक्टर के द्वारा, तो दोनों को दूसरे इस मामले चार कार्रवाई की गई है और इसमें हम दोनों ही पक्षों को जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके बाउंड ओवर कराएंगे, जिसको हमने आज ECP विजयनगर कार्यालय पेश कर दिया। शीघ्र ही उन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, क्योंकि दोनों सिर्फ अपराध पंजीबद्ध नहीं किए, इस बात से वो जो है उनका कहना है कि संघीय अपराध पंजीबद्ध करना था, क्योंकि पुलिस ने नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं है। सामान्य चोट थी और हम इसे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से इस अपराध को रोक सकते हैं, तो इसलिए हमने इसे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। अवैध हथियार तस्कर अब नाबालिग बच्चों से हथियार की तस्करी कराके उनका जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। एक ऐसे ही नाबालिग बच्चे को खरगोन से पिस्टल की डिलीवरी देने के लिए इंदौर भेजा गया था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग बच्चे को हिरासत में लेकर एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल नाबालिग से पुलिस पूछताछ कर रही है। मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र का है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि अवैध हथियार तस्करी
को लेकर कुछ गतिविधियां चल रही हैं, जिसको लेकर एक युवक का हुलिया बताया गया था। जब पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा और तलाशी लेने पर युवक के पास से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आरोपी नाबालिग बच्चा है। पूछताछ में सामने आया कि खरगोन का रहने वाला जफर द्वारा नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल कर अवैध हथियार तस्करी में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते इस नाबालिग बच्चे को इस पिस्टल की डिलीवरी देने के लिए इंदौर भेजा गया था। फिलहाल पुलिस के पास कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर जफर और उसकी पूरी गैंग का आने वाले समय में पुलिस खुलासा कर सकती है। वहीं ये नाबालिग बच्चा कैसे पिस्टल देने आया था, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। खरगोन के बामखल गाँव का निवासी एक नाबालिग व्यक्ति परसों रात्रि में एक 7.65 mm बोर की पिस्टल के साथ में मैगजीन सहित पकड़ाया है और उसके विरुद्ध धारा 25 आम से के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ में क्या सामने आया, किसी वारदात को अंजाम देने से बोला था? किसी एक जफर नाम के आरोपी ने उसे ये पिस्टल बेचने के लिए दी थी और उसको यहाँ भेजा था, उसी दौरान नाबालिग पकड़ में आ गया। जफर की तलाश की जा रही है। इंदौर में पैसे के लेन देन के विवाद के चलते एक मसाला व्यापारी को अपनी कार में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया और फिर माता पिता से व्यापारी से फोन लगवाकर रुपए मंगवाए गए, जिसके बाद 6 लाख रुपए देने के बाद व्यापारी को छोड़ा गया। दरअसल मामला भावरकुआ थाना क्षेत्र के सपना संगीता का है, जहां रहने वाले मसाला व्यापारी शरद कुमार प्रजापति का सोनू छाबड़ा और उसके अन्य एक मित्र मनीष के साथ पैसों को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जहां दोनों युवक अपनी कार से पहुंचे और शरद को अपनी कार में बिठाकर बंधक बना लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई करने लगे, जहां बंधक बनाकर परिजनों से 6 लाख रुपए की मांग की गई। 6 लाख इकट्ठा करके रुपए देने पहुंचे, जहां सोनू छाबड़ा और मनीष से अपने बेटे की जान बचाई। शरद के शरीर पर चोट के निशान देखकर तत्काल परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने घायल शरद का मेडिकल कराने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शरद कुमार प्रजापति फरियादी है और आरोपी है सोनू छाबड़ा और मनीष आशुदानी। इनका कुछ लेन देन का विवाद है, उस विवाद को सेटल करने के लिए कल सपना संगीता टॉकीज के पीछे कार में इसको बैठाया और पैसे के लेन देन की बात की। आरोपी गण ने, आरोपी सोनू छाबड़ा और मनीष आसुदानी ने फरियादी शरद प्रजापति से पैसे का हिसाब किताब करने को लेकर के मारपीट की और फिर उसको मजबूर किया कि वो अपनी माँ को फोन लगा के और भाई को फोन लगा करके अभी तत्काल हिसाब करे और रुपया बुलवाए। फरियादी शरद प्रजापति ने अपनी माँ और भाई को फोन लगा करके 6 लाख रुपए बुलवा करके उसको हैंडओवर की और जब उसने माँ ने और भाई ने देखा कि हमारे इसको शरद प्रजापति को मारा गया है, तब फिर उनके साथ वो थाने आया, मेडिकल कराया गया, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है धारा 384 IPC के तहत और आरोपियों की तलाश की जा रही है।